नमस्कार दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 मैचों के T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया और दोस्तों ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, साथ ही मैच का टर्निंग पॉइंट भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। शुभमन गिल और शिवम मावी का T20 डेब्यू हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को ईशान किशन और शुभमन गिल ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में 70 रन आ गए थे, लेकिन फिर यहां से श्रीलंका ने वापसी की और तीसरे ओवर में डेब्यू T20 खेल रहे शुभमन गिल को 7 रन बनाकर आउट कर दिया। वे 27 के स्कोर पर महेश तीक्ष्णा की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और वो भी 7 रन बनाकर चमेका करुणारत्न का शिकार बन गए। इसके बाद संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए और 5 रन बनाकर 46 के स्कोर पर चलते बने। यहां से ईशान किशन और कप्तान हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उन्होंने 22 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी की। ईशान किशन बड़ी खतरनाक लय में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज वो एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों फिर 77 के स्कोर पर भारत को बड़ा झटका लग गया। ईशान 29 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर वानिंदु हसीरंगा का शिकार बने। हार्दिक ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन 29 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 15वें ओवर तक 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था, लेकिन यहां से दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला और अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने मात्र 35 गेंदों में 68 रनों की अविजित साझेदारी करते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। खास करके दीपक हुड्डा ने श्रीलंका के गेंदबाजों को पूरी तरह से धोया और छक्कों की बारिश कर दी। हुड्डा ने 23 गेंदों में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 41 रन बनाए। वहीं अक्षर भी 20 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। वहीं श्रीलंका के लिए 5ों गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया। दोस्तों 163 रनों का लक्ष्य वानखेड़े के स्टेडियम के लिहाज से काफी कम था। अगर भारत को मैच जीतना था तो उन्हें कैसे भी करके शुरुआती ओवर में कैसे भी गेंदबाजी करके विकेट निकालने की जरूरत थी और ये बात कप्तान हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे से जानते थे। इसलिए पहला ओवर उन्होंने किसी को नहीं दिया और वो खुद डालने आ गए, जिस पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए। इस ओवर में भारत को विकेट ही मिलता, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर ही संजू सैमसन ने पाथुम निशांका का कैच छोड़ दिया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए शिवम मावी, जिन पर कुशल मेंडिस ने लगातार 2 चौके मार दिए, लेकिन दोस्तों फिर ओवर की 5वीं गेंद पर मावी ने शानदार वापसी की। अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे शिवम मावी ने पाथुम निशांका को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में शिवम मावी ने श्रीलंका को दूसरा झटका भी दे दिया। उन्होंने धनंजय डिसल्वा को संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। डेब्यू मैच में शिवम मावी ने काफी प्रभावित किया और श्रीलंकन टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। यहाँ पर तारीफ करनी होगी कप्तान हार्दिक पांड्या की, क्योंकि टीम में 2 अनुभवी तेज गेंदबाज उमरान मलिक और हर्षल पटेल भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डेब्यू शिवम मावी को नई गेंद सौंपी, जो एकदम सही फैसला साबित हुआ और इस तरह पावर प्ले पूरी तरह भारत के नाम रहा। इन 6 ओवरों में श्रीलंका ने सिर्फ 35 रन बनाए, जबकि उन्होंने 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद उमरान मलिक ने ईशान किशन की मदद से भारत को 3रा विकेट दे दिया। 8वें ओवर की 5वीं गेंद उमरान ने छोटी फेंकी, जिसे श्रीलंका ने पुल करना चाहा, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में गई। विकेट कीपर ईशान ने भागकर डाइव मारी और कैच लपक लिया। दोस्तों एक कैच बड़ा ही शानदार था, जिसको देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या भी काफी खुश दिखाई दिए। इसके बाद अपने अगले ओवर में हर्षल पटेल ने कुशल मेंडिस का भी विकेट ले लिया। हर्षल यहीं नहीं रुके, अपने दूसरे ओवर में उन्होंने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हर्षल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे पानुका राजपक्षे को पांडे के हाथों कैच करा दिया और इस तरह 68 के स्कोर पर श्रीलंका के 5 विकेट गिर चुके थे। यहाँ पर तो मैच भारत की पकड़ में आ चुका था, लेकिन फिर इसके बाद श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका और वानिंदु हसीरंगा ने साथ मिलकर श्रीलंका की मैच वापसी कराई। दोनों ने काउंटर अटैक करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 23 गेंदों में 40 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जो भारत के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन फिर यहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने चतुराई दिखाई। पांड्या ने शानदार गेंदबाजी कर रहे शिवम मावी को 15वें ओवर में गेंद सौंपी और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। मावी ने हसीरंगा का विकेट झटक लिया और मैच में भारत की वापसी कराई। हालांकि दसुन शनाका ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और श्रीलंका को मैच बनाए रखा, क्योंकि श्रीलंका को आखिरी 21 गेंदों में सिर्फ 34 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उमरान मलिक ने कमाल कर दिया। उमरान ने भारत को वो विकेट दिला दिया जिसकी भारत को जरूरत थी। 17वें ओवर में उमरान ने दसुन शनाका को चहल के हाथों कैच करा दिया। शनाका ने 27 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और इस विकेट से भारत की मैच में वापसी हो गई थी।